बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नाज़ेन किचन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है सेब का मुरब्बा। इसको बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 1 किलो के करीब ग्रीन वाले एप्पल हैं, जो आजकल मार्केट में बहुत ईजीली अवेलेबल हैं। इनको मैंने धो लिया है और इनका छिलक ऊपर से उतार लिया है और फोर्क से इनमें मैंने ऐसे अच्छे से पंच कर लिया है। 2 जग के करीब पानी लेंगे। अब हम इनमें एप्पल को ऐड कर देंगे। पानी हमें इतना चाहिए जिनमें एप्पल जो है वो अच्छे से डीप हो जाए। अगर पानी कम लगे तो आप आधा जग और पानी का ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ऑन किया है। अब हम इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि एप्पल जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। देखिए 30 मिनट हो गए हैं हमारे एप्पल को पकते हुए। अब हम इसके लिए शीरा तैयार करेंगे। इसके लिए मैं 1 कप चीनी लूँगी और इसको हम एक पैन में ऐड कर देंगे और जिस पानी में हमने एप्पल को बॉईल किया है यही पानी हम शीरे के लिए यूज़ करेंगे। इस पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखिए हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। चीनी को हम इतना मिक्स करेंगे ताकि चीनी इस पानी में डिजॉल्व हो जाए, जिसका ताकि अच्छे से शीरा पक के तैयार हो जाए। देखें पानी में कितने अच्छे से चीनी डिजॉल्व हो गई है। अब जो हम है अब हम इसमें एप्पल को ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये सारे एप्पल मैंने शीरे में डाल दिए हैं। अब हम इन्हें कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि एप्पल में चीनी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। देखिए 30 मिनट हो गए हैं और हमारा एप्पल का मुरब्बा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो अब लेकर आती रहूं। देखिए कितना अच्छा एप्पल का मुरब्बा बनके रेडी हुआ है। अब जैसा एप्पल का मुरब्बा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। दुआओं में रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपके पास दोबारा हाजिर होंगे न्यू वीडियो लेके। अल्लाह हाफिज़।